जो कलर है उसका पिस्ता कलर है, सबसे पहले इट इज ए पिस्ता कलर, पिस्ता ग्रीन कलर, और मस्जिद के जैसा वो जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मस्जिदों पर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं रहता है, ज्यादातर मस्जिदें अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर्स में हैं, वाइट कलर्स में हैं, कि किसी की बाप की जागीर नहीं है ये रेलवे स्टेशन बोलकर वहां पर एक बात आई। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, ये हमारे बाप की जागीर है, 1871 में बना है रेलवे स्टेशन, 1871 में कौन था? आप एक दो घंटे के अंदर एक मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करते हैं, इमीडिएटली पेंटर और पेंट रेडी होकर सीधा व्हाइट वॉश करके वो कलर चेंज करते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टेशन मास्टर, कलबुर्गी स्टेशन मास्टर और रेलवे ऑफिशियल्स, वो लोग ही ये 10-15 बच्चों को जमा करके आप मेमोरेंडम दीजिए, हम इमीडिएटली चेंज करते हैं, ऐसा नाटक लग गया जैसा दिख रहा है। सवाल करना चाहता हूँ रेलवे ऑफिशियल से, कल हम गुलबर्गा से 100 से 500 लोग जमा होंगे कलबुर्गी रेलवे स्टेशन के सामने, और हम डिमांड करेंगे कि ये कलर करवाइए, इसको तोड़िए, इसको बनाइए, क्या वो करेंगे क्या? ये इस्लाम का तरीका है, ये मुसलमानों से नफरत है, अगर इस तरह से करने गए तो गुलबर्गा में जितने झाड़ है उसको क्या पेंट मार लेते बैठेंगे? तरकारी मार्केट में पूरे वेजिटेबल्स ग्रीन्स है, क्या उसको कलर मार के खाएंगे? ऐसा करते बैठे वो तो फिर जीना भी मुश्किल हो जाएगा सब लोगों का। सेना वाले ने प्रोटेस्ट किया है, जो रेलवे स्टेशन है कलबुर्गी रेलवे स्टेशन, उसके ऊपर हरा कलर मारा गया था, तो वो जो हरा कलर है वो लोगों को हरा कलर देखे तो मस्जिद को आए जैसा देखा जा रहा है, उनका कहना है। तो वो लोग जो कलबुर्गी रेलवे स्टेशन है उनसे डिमांड किए हैं, उनके अथॉरिटीज से, कि वो हरा कलर निकाल के दूसरा कोई और कलर मारो या 15 करेंगे बोल के, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, इतनी अफसोस की बात है और एक हंसी मजाक की भी बात है कि 10-12 नौजवान लड़कों ने गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में ऑफिशियल्स को जाके एक मेमोरेंडम दिया कि ऐसा ग्रीन कलर का आपका वॉल्स दिख रहा है, मस्जिद जैसा माहौल दिख रहा है, सिर्फ खाली एक मेमोरेंडम देने पर, 10-12 लड़के जाके देने पर गुलबर्गा जो रेलवे स्टेशन के ऑफिशियल्स ने ताबड़तोब इमीडिएटली सिर्फ ये चंद बच्चों नौजवानों के कमेंट्स को लेकर, मेमोरेंडम को लेकर जो इमीडिएटली जो सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर जो कलर चेंज करने का जो फैसला लेकर इमीडिएटली कलर चेंज करने का जो काम किए हैं, बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक है, और एक ऐसा लगता है कि अब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं मॉबक्रेसी चल रही है। कोई भी एक 15-20 लोग जाएंगे और हिंदुत्व के नाम पर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अगर ऐसा है बोल के बोलने की देर है कि एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है कि जब का जब फैसला सुनाने के लिए। मैं कलबुर्गी रेलवे ऑफिशियल से डिमांड करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो एक उसके ऊपर मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद उसके ऊपर एक टेंडर बुलाया जाता है। आप एक दो घंटे के अंदर एक मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करते हैं, इमीडिएटली पेंटर और पेंट रेडी होकर सीधा व्हाइट वॉश करके वो कलर चेंज करते हैं, इसके ऊपर हम उसका सवाल करते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्टेशन मास्टर, कलबुर्गी स्टेशन मास्टर और रेलवे ऑफिशियल्स, वो लोग ही ये 10-15 बच्चों को जमा करके आप मेमोरेंडम दीजिए, हम इमीडिएटली चेंज करते हैं, ऐसा नाटक लग गया जैसा दिख रहा है। क्योंकि जब मीडिया वाले जब उनको जाके जब सवाल कर रहे हैं तो किसी के पास जवाब नहीं है, ये कहाँ से अप्रूव हुआ है चेंज करने का, किसी के पास कोई ऑफिशियल्स जवाब नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ही अफसोसनाक, अफसोस की बात है। हम इसी तरह देखते हैं बैंगलोर में एक 10-12 लोग जमा हुए, मंदिरों के पास गए कि यहाँ पर मुस्लिम्स के मंदिरों के पास मुस्लिम्स के स्टॉल नहीं लगाना बोल के बोले, वहाँ पर एक मुस्लिम ट्रेडर्स बैकआउट चला है। एक 10-12 हिंदू के लड़के जमा हो गए, हलाल कट होना है, हलाल कट नहीं होना है, झटका कट होना है बल्कि वो एक कैंपेन शुरू करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर एक डेमोक्रेसी नहीं मोबक्रेसी चल रही है। एक 10-15 लोग जमा होंगे और उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूँ रेलवे ऑफिशियल से, कल हम गुलबर्गा से 100 से 500 लोग जमा होंगे कलबुर्गी रेलवे स्टेशन के सामने, और हम डिमांड करेंगे कि ये कलर करवाइए, इसको तोड़िए, इसको बनाइए, क्या वो करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं करेंगे। क्यों?
उसके लिए फिर मीटिंग बुलाएंगे, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। 2 घंटे के अंदर कैसा इन्होंने डिसीजन लिए हैं और कैसा इसको इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। और जब भी इस तरह का अगर मॉब करेसी कुछ नौजवान जमा होकर ये इस्लाम का तरीका है, ये मुसलमानों से नफरत है, अगर इस तरह से करने गए तो गुलबर्गा में जितने झाड़ हैं उसको क्या पेंट मार लेते बैठेंगे, तरकारी मार्केट में पूरे वेजिटेबल्स ग्रीन्स है क्या उसको कलर मार के खाएंगे, ऐसा करते बैठे वो तो फिर उन्होंने जीना भी मुश्किल हो जाएगा सब लोगों का। तो हमारा डिपार्टमेंट से खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से एक मुतालबा है कि इस तरह से अगर नौजवान जमा होकर एडमिनिस्ट्रेशन को डराने की, धमकाने की, डेमोक्रेसी को एकदम तोड़ मरोड़ करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप उन्होंने जैसा नचाएंगे कि आप भी नाचेंगे क्या, इतने कमज़ोर है एडमिनिस्ट्रेशन कि जो इन्हों जैसा बोले वैसा सुनेंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडम करती है कलबुर्गी रेलवे ऑफिशियल्स का जो इमीडिएट जो एक्शन लेकर ताबड़तोब जो काम किए हैं, इसको हम कंडम करते हैं। सुबह कलबुर्गी रेलवे स्टेशन में हिंदू जागृति सेना वाले ने एक प्रोटेस्ट किया, उनके मेंबर्स ने पूरे प्रोटेस्ट करने की वजह यह थी कि कलबुर्गी रेलवे स्टेशन के जो वॉल्स है उसके ऊपर हरा कलर मारा गया था, तो हरा कलर न होना वो निकाल के दूसरा कलर करो, और बोले सो वो उनको हरा कलर देख के मस्जिद को गए जैसा याद आता है बोल के वो लोग का कहना है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जिनको कोई कलर नहीं मालूम, उन जिनको सिर्फ नफ़रत का कलर मालूम है उनको ना हरा में फ़र्क पड़ता है, ना ऑरेंज में फ़र्क पड़ता है, ना सैफ्रॉन में फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली मैं भी वो देखा वहाँ पर, एक वीडियो भी मैंने देखा आपके ही मीडिया के थ्रू आया था, वो जो कलर है उसका पिस्ता कलर है। सबसे पहले इट इज़ ए पिस्ता कलर, पिस्ता ग्रीन कलर, और मस्जिद के जैसा वो जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मस्जिदों पर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं रहता है, ज़्यादातर मस्जिदें अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर्स में हैं, वाइट कलर्स में हैं, और इस्लामिक कलर बोलकर जो इस तरीके से जो बता रहे हैं हमको, जब ग्रीन से, सैफ्रॉन से, ऑरेंज से, तिरंगे से, किसी से भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पर तिरंगा लगाता है तो वेरी गुड, अगर वहाँ पर डिपार्टमेंट ये कर्नाटका का कलर लगाता है तो भी वेरी गुड। देखिए जब तिरंगा लगाएंगे तो उसमें भी हरा है, अगर आप कर्नाटका का कलर लगाएंगे, झंडे का कलर लगाएंगे उसमें भी हरा है। तो ये चीज़ एक पर्टिकुलर एक इश्यू को उठाना, बनाना, उसको बनाकर उसकी डोम के ऊपर चर्चा करना, डोम किसी भी एंगल से मस्जिद की डोम नहीं है, वो जो डोम बनाई गई है 2017 में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। और एक भी चीज़ वहाँ पर ये भी सवाल आया कि किसी की बाप की जागीर नहीं है ये रेलवे स्टेशन बोलकर वहाँ पर एक बात आई। मैं इस बात को कहना चाहूँगा ये हमारे बाप की जागीर है, 1871 में बना है रेलवे स्टेशन, 1871 में कौन थे ये सब चीज़ें बोलने की नहीं है। देखिए यहाँ पर इनको ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत थी कि गुलबर्गा को एक डिवीज़न बनाया गया था, रेलवे डिवीज़न बनाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार जब आने के बाद इन्होंने डिवीज़न से हटाया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय वहाँ पर कलर कौन सा लगे, वहाँ पर कौन सा काम करे, इस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों को पहले तो इससे मालूम होता है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा है फूट डालो और राज करो, और मंदिर मस्जिद के नाम पर राज करो, कलरों के नाम पर राज करो, हर चीज़ पर राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। ये नफरत की ये सिर्फ कौन सा कलर जानते हैं, ना ही ना तिरंगे का कलर जानते हैं, ना ही ये इवन अपने सॉफ्रन कलर का भी नहीं जानते, जबकि वहाँ पर एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आकर ऑरेंज कलर करेंगे। सबसे पहले तो ऑरेंज कलर किसका है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, उनके अमामे का कलर ऑरेंज है, और इन्हों बोल रहे हैं कि हम हिंदू जागृति सेना है, तो हिंदू जागृति के सेना का कलर जो है सैफ्रॉन कलर है, इनको खुद को नहीं मालूम कौन सा कलर क्या है बोल के। तो जिनको नफरत का कलर जो लोग जानते हैं उनको यही कलर दिखता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये कंडेम भी करता हूँ कि जिस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली 2 घंटे में वहाँ पर वाइट कलर स्टार्ट किया, हमें ना वाइट कलर से प्रॉब्लम है और ना ही हरे कलर से प्रॉब्लम है, और ना ही सैफ्रन कलर से प्रॉब्लम है, ना पिस्ता ग्रीन कलर से प्रॉब्लम है। अगर हमें प्रॉब्लम है तो ये जो हेट कलर ये लोग जो फैला रहे हैं इस कलर से हमारे को प्रॉब्लम है।